हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। समर एक्सप्रेम चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भूत बंगला भाई, पीछे कोई नहीं है, भूतों के अलावा शायद आपको दिख नहीं रहा हो, दिख जाए तो मुझे बता देना। तो फ्रेंड्स, साइकिल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, उससे बॉडी बनती है। रुक जाइए इस तरीके से, हाँ उससे बॉडी बनती है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना साइकिल थोड़ा एडवांस लेवल पर बनाया जाए, जिससे साइकिल चलाने में थोड़ा मज़ा भी आए और यहाँ भी लगे, मतलब हम कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, चलते ब्लॉग पर, चलिए। समर एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए आज की वीडियो में इतनी नॉलेज है, अगर आप कंप्लीट वॉच करोगे तो आपकी साइकिल कामयाब हो जाएगी। चले फ्रेंड, चलते हैं। प्लीज दोस्तों, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई सारे जुगाड़ आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एक इंच का पीवीसी का पाइप ले लिया है, इसकी शीट बना ली है। अब आपके पास कोई भी मोबाइल अवेलेबल हो, आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग इसे कट कर लीजिए। देखिए मैंने एक पीस कट कर लिया है, जो इतना आपका मोबाइल उसके बैकग्राउंड के हिसाब से। और देखिए 15 mm की मैंने इसकी ऊंचाई रखी है और मैं इसे स्टड ग्लू चिपका लूंगा। यहाँ तक सिंपल हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें इसका एक तरह का बॉक्स टाइप का बना लेना है, प्लास्टिक पीवीसी पाइप का जो हमने बनाया है। और अब यहाँ पर आपके कट लगा लेना है, जिससे फ्रेंड आप डेटा केबल इसमें लगा सको। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो चुका। देखिए अच्छी तरह से ये सॉकेट चमक भी रहा है। अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 78 05 की आईसी चाहेंगी। ये क्यों चाहेंगी ये मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मुझे 2 हीट सिंक भी चाहेंगी एल्युमिनियम की होती है। और यहाँ पर मैं 2 हीट सिंक इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास एक ही लाइट वेट की हीट सिंक है, यानी कि एल्युमिनियम की हीट सिंक है। तो भाई उन्हें मैंने 2 कर लिया, जिससे ज्यादा हीट वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अगर आपके पास हैवी हीट सिंक पड़ी हो तो आप प्लीज हैवी का यूज करें, जिससे 2 ज्यादा वो एनर्जी, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर ले और ज्यादा लंबे समय तक आपका ऐसे टिके रहे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों लगा लिए इस तरीके से, बैक कवर के पीछे जो कि मैंने कवर बनाया था। यहाँ फ्रेंड्स हमें यूएसबी पोर्ट चाहिएगा, ये भी आपको 5-6 रुपए का मिल जाएगा। और देखिए इसका प्लस माइनस आपको अच्छी तरह से देख लेना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक्स्ट्रा लेग कट कर लेते हैं और इस पर देखिए बहुत सिंपल वायरिंग है। तो चलिए मैं थोड़ा करीब से बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, जो आईसी की थर्ड लेग है, यानी आईसी की जो तीसरी टांग है और दूसरे आईसी की भी तीसरी टांग है, दोनों आईसी की थर्ड लेग है, उन्हें आपस में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर पोर्ट में लगा दिया। इसी तरह से फ्रेंड, जो आईसी की बीच वाली लेग है, जो मिड लेग है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और दो नेगेटिव निकला, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। लीजिए फ्रेंड, यहाँ तक हो चुका। प्लीज दोस्तों, इसका थोड़ा नेगेटिव अपोजिट का ध्यान है, भाई मोबाइल का मामला है। तो इस तरह देख सकते फ्रेंड, यहाँ पर पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है, देख सकते हो। इस तरीके से आप थोड़ा पोर्ट को ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से रखोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मिल जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब आपका 2 एम्पीयर का चार्जर तैयार है, आप अपने मोबाइल को 2 एम्पीयर करंट से आराम से चार्ज कर सकते हो। देखिए फिक्स हो चुका, अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस कवर को ऐसा बनाना है, अब हम अपने मोबाइल को देख भी सके और पानी से बारिश से बचा भी सके। तो इसलिए यहाँ पर मैं पीवीसी की ट्रांसपेरेंट शीट ले रहा हूँ, जिससे फ्रेंड्स हरकत क्या हो रही है आपके मोबाइल पता लग सके। और अगर आप पीवीसी पाइप की शीट लाओगे तो भाई उसमें कुछ चमकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, या तो आप ग्लास लगाए या प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट लगा सकते हो, 40-50 रुपए आपको स्क्वायर फीट आराम से मिल जाएगी। अब दोस्त देखिए, यह डालडा जो 3 कनस्तर होता है, ऑयल का कंटेनर होता है रिफाइंड का, उसके मैंने शीट ले ली है और इस तरह 15 mm का गैप देखा मैंने मार्क कर दी है, बीच में से कट कर दूंगा। और इसकी लेंथ मैंने अभी डिसाइड नहीं की है, अभी आप प्लीज बने रहिए, आपको A to Z में आपको चीज बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, सीधी गली है और 5 mm यहां से, 5 mm यहाँ से, और उसकी जो डेप्थ रही है 5 mm। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है, मैं थोड़ी मार्किंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जो इसकी लेंथ है वो मैं बाद में डिसाइड करने वाला हूँ, वो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने 5-5 mm गैप देकर यहाँ से कट कर दिया है। लीजिए फ्रेंड्स, एक पार्ट आप कट हो चुका है, जो कैंची आते ना कपड़े काटने उससे भी इसलिए कट जाता है, लेकिन भाई कटर से काफ़ी अच्छा कटता है। प्लीज़ दोस्तों, जब मम्मी कैंची का यूज़ करते उसका कट इसका यूज़ मत कीजिएगा भाई, कैंची खराब हो सकती है। तो कोई कटर से कट कर लीजिएगा। देखिए इस तरह फ्रेंड, इसी से दूसरा पार्ट हमें कट कर लेना है, थोड़ा यू टाइप पर इस पार्ट को भी कट कर लेना है। लीजिए फ्रेंड्स, यही बहुत इजीली कट हो गया। अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमें एक नोक वाला प्लास लेना है, ठीक है, जैसे ये नोक वाला आप देख रहे हो, इस तरह फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ देना है और थोड़ी सी हुक जैसी शेप आपको उसको दे दे रहे। लीजिए फ्रेंड, जो सरिया बांधने का वायर होता है ना, लेंटर जब डालते हैं तो वो वाला वायर मैंने ले लिया है, 5-10 रुपये का आपको बहुत सारा मिल जाएगा और आप उसका यूज भी नहीं कर पाओ, कितना मिल जाएगा। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हुक टाइप का बना लेना है और दोनों को यहाँ पर देखिए, इसका बना लिया और दूसरे का बना लिया। अब देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्री मूव हो रहा है, इसे इसके अंदर डाला। तो फ्रेंड, जो हिंज होता है ना कब्जा, आपने देखा होगा मार्केट से ला, तो सेम आपको वही बनाना है। अब इतना छोटा अगर आपको मिल जाए बना बनाया तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई बना लेंगे, थोड़ा इसको ऊपर से कूट देंगे पकड़ के, जिससे भाई इसको वायर बाहर नहीं निकले। लीजिए फ्रेंड्स, ये बन गया तितली, देखिए उड़ जाएगा। तो देखिए अब मैं तो थोड़ा थोड़ा कट कर रहा हूँ, 5 mm 6 mm का अप्रोक्स और एक जगह 9 या 10 mm का अप्रोक्स। और अब यहाँ पर आपको अप्रोक्स 3 mm का होल कर देना है। लीजिए फ्रेंड्स, जो आपके हिस्से कब्जे तक तैयार हो चुके हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डिंग आयरन से होल कर दीजिए, थोड़ा सा मार्क ला कर थोड़ा यहाँ पर कर दीजिए होल, जो कि 3.175 mm का मैं ड्रिल बिट यहाँ पर यूज़ करूँ, एक सूत कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लग चुके हैं, जो दोनों बोल्ट थे वो मैंने कट किए हैं। अब देखिए बहुत अच्छी तरह आपका जो हिंजे हैं कब्जे हैं वो काम कर रहे हैं, थोड़े अगर फिक्स हो कोई टेंशन लेने की। अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो साइकिल का हैंडल था ना उसमें मैंने होल कर दिया है और इसके बीच में यहां पर मैं होल कर, जो कि मैंने होल्डर बनाया था, यहां पर अप्रोक्स 3 इंच का मैंने एक बोल्ट ले लिया है
जो 150 का है अप्रॉक्स, और इसमें मैं लगा दूंगा। अब दोस्त इसे मुझे रोकना कहाँ पर, हैंडल पर। अब इसे काफ़ी सारे जुगाड़ हो सकते हैं, आपको लगे समर है तो कोई भी उखाड़ के ले जाएगा, तो भाई आप लोहे का बना दीजिए, कोई टेंशन थोड़ी है यार, टेंशन लेना, थोड़े मेटल चेंज कर दीजिए अगर आपको लग थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से। तो देखिए यहाँ मैंने हैंडल पर लगा दिया, और आप इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है, 360 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा और इसे अच्छी तरह से टाइट करता है। लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गया है। आप इसमें अपना मोबाइल रखकर मूवी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, मैप देख सकते हो, स्पीडोमीटर का यूज़ कर सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें। अब आते हैं फ्रेंड टिप पर। देखिए ये डबल सेफ्टी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई मोबाइल इसके अंदर को तो उस पर स्क्रैच पड़ सकती है। ऊपर से फ्रेंड्स बोल्ट भी है बीच में देख सकते हो, तो उसमें बोल्ट को हेड को ढक दिया है और यहाँ पर सारे में डबल सेट टिप लगा दी। अब थोड़ा गुदगुदा टाइप का आपका मोबाइल थोड़ा मजे में उछलेगा, मजे में रहेगा, टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाली, तो आपका सेफ रहेगा। अब देखिए फ्रेंड इसका ढक्कन हमें रोकना भी है, ढक्कन यहाँ पर खुलना नहीं चाहिए। तो देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे एक पत्तिया टाइप की एल टाइप की बना ली है, वैसे भी लाइफ पे एल लगी पड़ी है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह आपको ग्लास को बंद किया और देखिए ये नहीं खुलेगा, ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर लगाएं, लॉक होना जरूरी है। अगर आपको लगे समर और लॉक होना चाहिए, भाई आप जुगाड़ो आदमी हो, अच्छी तरह मैंने कहा था जुगाड़िए, आप अच्छे से लॉक लगा सकते हो। अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने 1.5 इंची मोटा है, 2.5 इंची लंबा लेंथ का मैंने एक पाइप ले लिया है पीवीसी का, और इसको थोड़ा पिचका दूंगा, बहुत ईजी है, हीट करके गैस पाइप हीट कर सकते हो। और इस तरह मैंने शेप कर दिया है, एक पीवीसी पाइप की शीट ली है, और इस तरह एक तो इसके अंदर कवर बनने वाला है, ठीक है, एक इसका बाहर का कवर बनने वाला है, तो ध्यान रहे एक अंदर का एक बाहर का। मैं इसे कट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स हम हेडलाइट बना रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे काम करती है। यहाँ पर 2 LED ले रहा हूँ 8mm की, और इन्हें रोकने के लिए प्लास्टिक शीट पर होल कर दे रहा हूँ। लीजिए यहाँ पर इसे फिट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों को सीरीज में लगाने वाले हैं, पैरेलल में नहीं, देखिए एक बड़ी लेग है एक छोटी लेग है, ठीक है, इस तरह बड़ी लेग है और छोटी लेग है, तो फ्रेंड एक छोटी और एक बड़ी आपस में आपको टच कर देनी। लीजिए यहाँ तो फ्रेंड्स अब ये 7, 8, 9, 10 वोल्ट तक बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। एक एस्पेक्ट स्विच ले रहे, कोई भी आप ऑन ऑफ स्विच ले सकते हो, और इसके अंदर ही हम लगा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड अलग से कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ही यहाँ पर एस्पेक्ट स्विच लगा दिया है, और यहाँ पर देखिए वायरिंग में कर रहा हूँ। यहाँ पर जो व्हाइट वाला वायर है ये पॉजिटिव है, इसको मैं निकाल के यहाँ से कट कर दूंगा, और इस दोनों वायर में मैं स्विच ऐड कर दूंगा, स्विच कनेक्ट कर दूँ। लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी लाइट तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी रोशनी देती है। अगर आपको लगे समय थोड़ी कम है तो भाई ज़्यादा लगा लीजिए, टेंशन थोड़ी है यार, इसे मैं चिपकाता रहूँ यहाँ पर। और ये वैसे 2 इनफ है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देंगी, ज़्यादा लाइट कंज्यूम नहीं करेगी और आंखों में नहीं चुभेगी सामने वाले की। तो मैं चिपका दूँ, आपके जो हेडलाइट वो तैयार हो चुकी है बनके। अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 25mm का यानी कि 1 इंच अप्रॉक्स का एक पाइप ले लिया है, इसे भी हीट कर मैं दोबारा से पिचका दूंगा, और इसका का मैं यूज़ कहाँ करने वाला हूँ ये अभी आपको पता लगेगी, बिल्कुल अभी बने रहिए। देखिए इसे मैं हटा दूँ, थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसकी एक तरह की शीट बन चुकी है, तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। फ्रेंड्स इसे मैं लगाने वाला हूँ हेडलाइट के ऊपर, जो कि मैंने हेडलाइट बनी थी, इस बार देख सकते हो इसकी शेप फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप ऐसी बना सकते हो। अगर आपको लगे कि ना बने तो आप थोड़ा गोल्ड टेप में बना सकते हो, जैसे पाइप होता है। तो लीजिए यहाँ पर लग चुका है, और इसे मैं यहाँ पर रोक दूंगा। अब आपको जैसी भी एडजस्ट करनी हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, जैसी भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कर लीजिएगा। और आपको लगे समर ऐसी हमसे नहीं बनेगी, तो भाई दो गोल पाइप आता है ना, गोल पाइप की बना दी, उसमें LED लगा दी, वो गोल हो जाएगी। आप इसे आराम से यहाँ से स्विच ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, देखिए काफ़ी अच्छी लगती है, एक तरह का मॉडर्न थोड़ा लुक अच्छा लगता है, और ऊपर से भी काफ़ी एडवांस आपकी साइकिल लगी और आप इसे बनाओगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स बैटरी पर। तो यहाँ पर 18650 लैपटॉप की बैटरी प्लस BMS यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, जो कि 2 SBMS है। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ मिला दिया, और BM जो लिखा है इस पर मैंने लगा दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये बैटरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, और ये नेगेटिव यहाँ पर लिखा B नेगेटिव, यहाँ पर बैटरी नेगेटिव का लगा दिया, और यहाँ पर P प्लस और P माइनस, इसका आउटपुट प्लस इनपुट दोनों है, तो आप इसे 8 वोल्ट 9 वोल्ट से आराम से चार्ज कर सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपकी बैटरी को सेफ रखेगा, लंबे समय तक आपकी बैटरी सेफ रहेगी और आपको अच्छा बैकअप देगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स एडवांस लेवल पर चलते हैं। देखिए इतने सारे मोटर है, 130 140, दोनों गियर मोटर हैं, 370 और यहाँ पे गियर मोटर है, और 775 है डायनोमो है, अलग अलग आपके यहाँ पर मोटर दिख रहे होंगे। अब दोस्त इनके करंट प्लस वोल्टेज हम चेक करने वाले हैं, सबसे पहले 130 कर लेते हैं, ड्रिल मशीन है इस पर इसके शाफ्ट फंसाएंगे, उसके बाद देखेंगे दोस्त कितना वोल्टेज और कितना करंट ही आपको आउटपुट दे रहा है। दोस्त ये कहीं नहीं देखा होगा आपने, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले दोस्त के एम्पर चेक करते हैं, 0.06, बहुत कम है, इससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। आगे चलते हैं, सबसे पहले इसके अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज पर सेट करता हूँ मैं, अब थोड़ा राउंड में यहाँ पर घुमा के देखता हूँ कि कितना है वोल्टेज में आउटपुट दे रहा है, ऐसे हम घुमाते हैं। तो देखिए फ्रेंड 0.13 ओनली, इससे भाई कुछ नहीं वाला। और दोस्त ये दोनों सेम है, गोल वाले और 130 और 141 मोटर नंबर इनका, इनका कुछ नहीं होने वाला। अब चलिए फ्रेंड थोड़ा आगे चलते हैं। तो गियर मोटर देखिए, इसके वोल्टेज देखिए 13.3
मतलब तेहरे से आगे वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तो वोल्ट अच्छे दे रहा है, काम शायद कर जाए। तो इसके पहले एम्पियर चेक कर लेते हैं। तो देखिए एम्पियर में कितने वोल्टेज आउटपुट देगा, तो दोस्त देखिए कुछ भी नहीं, 0.1314 ऐसे अप्रोक्स वोल्टेज हमें सॉरी करंट आउटपुट दे रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। तो दोस्त इसे भी हटा लेते हैं, ये हमारे कोई काम करें, ठीक है। तो देखिए ये वाला है और ये वाले, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि आरपीएम का फ़र्क है दोनों गियर मोटर में, तो हटा लेते हैं। अब आते हैं 370 मोटर पर, ठीक है। तो इस पर चेक कर लेते हैं, इस पर मैं लगाता हूँ सीधा। पहले मैं इसके एम्पियर चेक करूँ, तो देखिए फ्रेंड 0.20 का अप्रोक्स हमें करंट आउटपुट दे रहा है, इससे हमारा कुछ नहीं होगा। अब इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 1400-1500 आरपीएम में इसके चेक कर रहा हूँ। तो देखिए ओनली एक वोल्ट आउटपुट दे रहा है, जिस फ्रेंड्स काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, लोग दिखाते हैं डाल के, तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ। अब दोस्त यह है डायनोमा जो कि इसी पर्पज से बना है, और 1400-1500 आरपीएम देखते हैं कितने हमें करंट दे रहा है। देखिए 7.43 अप्रोक्स, 7.5 वोल्ट हमें अप्रोक्स आउटपुट दे रहा है, ठीक है वोल्टेज। अब इसका करंट चेक करते हैं कि कितने एम्पियर आउटपुट दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स वाओ 1.20 एम्पियर ये हमें दे रहा है, ये डेफिनेटली काम कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब आते हैं 775 डीसी मोटर पर, जो कि बहुत फेमस मोटर है और ये बिल्कुल ओरिजिनल मोटर है, बैरिंग वाला, बहुत अच्छी इसकी टॉर्क है, बहुत अच्छे इसके आरपीएम है। अब मैं चेक करता हूँ कि 1500 आरपीएम में कितने वोल्टेज हमें यह करंट देता है। पहले मैं इसकी करंट चेक करता हूँ, देखिए वाओ 3.20 अप्रोक्स 3.25 के हमें एम्पियर आउटपुट दे रहा है, बहुत अच्छे एम्पियर आउटपुट दे रहा है। अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं, तो वोल्टेज काम करता नहीं करता है, तो देखिए फ्रेंड नहीं 2.74 अप्रोक्स 2.5-3 वोल्ट के अप्रोक्स में आउटपुट दे रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब चलते हैं फ्रेंड 370 ही मोटर है, लेकिन ये गियर मोटर है, ये 1000 आरपीएम का गियर मोटर है और बहुत आसानी से हाथ से चल जाता है, ऐसा नहीं बहुत खेड़ा चलता है, 1000 आरपीएम का। देखिए वाओ ये हमें अप्रोक्स 10.5 वोल्ट के अप्रोक्स हमें आउटपुट दे रहा है, तो आपकी बैटरी बहुत अच्छे से चार्ज कर देगा। अब इसके करंट भी चेक कर लेते हैं, करंट कितना आउटपुट दे रहा है, क्योंकि करंट भी तो चाहिए। तो देखिए वाओ अप्रोक्स 2.25 एम्पियर ये हमें आउटपुट दे रहा है करंट। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है, ये हमारी बैटरी को अच्छे चार्ज भी कर देगा और इससे करंट भी अच्छा देगा और वोल्टेज भी अच्छा देगा। तो देखिए ये हो गया कंप्लीट, अब चलते आगे। तो फ्रेंड्स मैंने अलग से पीस ले लिया है, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है और इसे हमें मोटर के शाफ्ट पर लगाना है, जिससे अपने पहिए पर लगा के इसे घुमा सकें, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह का शेप बना लिया मैंने, और आपके पास ना हो तो कुछ चीज़ें से किसी से कट करके आप इसे राउंड में कर सकते हो, और मैं इसे थोड़ा ठुकाई कर देता हूँ तो जिससे अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा स्टड ग्लू लगा देता हूँ, अभी अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है, निकल के नहीं भागेगा। अब जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा कि मोटर की शेप थोड़ी अलग है, आगे से अलग है और पीछे से थोड़ी अलग है, यहाँ पर मैंने थोड़े से पीवीसी पाइप के पीस कट कर लिए हैं और यहाँ पर चिपका के थोड़ा सा रब कर दूंगा एंगल ग्राइंडर से, आप सैंड पेपर से भी कर सकते हो। अब आपको पता लग जाए, देखिए यहाँ से फ्रेंड्स मोटर अलग है थोड़ी, यहाँ पर शेप अलग है और ऊपर जहाँ पर गियर फिक्स है वहाँ का थोड़ा मोटर ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा एक्सार यानी थोड़ा प्लान करने के लिए थोड़े से मैंने पीवीसी पाइप की शीट लगा ली है, और इस तरह से रोकने के लिए यहाँ पे एक क्लिप का यूज करने वाला हूँ। और चलिए पहले मैं आपको क्लिप की मोटाई दिखाऊँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेजरमेंट है, आप जहाँ पे पाइप मिलता है, प्लम्बिंग का सामान मिलता है, वहाँ पर आपको आसान से 15-20 रुपए का एक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट तरीका है मोटर को रोकने के लिए, और इससे एक बेनिफिट और है फ्रेंड्स, आप जब चाहे इसे टायर से लगा सकते हो उसके शाफ्ट को, अब जब चाहे यहाँ से मोटर को हटा सकते हो, तो आप फ्री चलाना चाहो मोटर को हटा के चला सकते हो। चलिए कनेक्शन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स लाइट के कनेक्शन डायरेक्ट इसके इनपुट पर कर दे, देखिए जो आईसी लग रही है यहाँ पर चार्जर पर, तो देखिए जो नेगेटिव आ रहा है आईसी के बीच, जो मिड वाली लगेगा ना बीच वाली, उस पर मैंने कनेक्ट कर दिया है, यह इसका इनपुट है। और देखिए ये पॉजिटिव जो आईसी के फर्स्ट लेग है, दोनों फर्स्ट लेग को आपस में कनेक्ट कर दिया दोनों को, और इसके और इसका इनपुट निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों मैंने बता दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे एलईडी है दोनों पैरेलल सॉरी दोनों सीरीज में है, तो 7 या 10 वोल्ट आराम चल जाएंगी, और जो हमारा चार्जर वो भी आपको 5 वोल्ट आराम से आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर एक डायोड लेना है IN4007 का, और देखिए इसके फ्रेंड जो सिल्वर कलर की लाइन देख रहे हो ना, ये सिल्वर कलर की लाइन आपको मोटर पर लगानी है, नेगेटिव या पॉजिटिव किसी पर लगा दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पर नीचे पॉजिटिव लगा दिया। फ्रेंड्स का नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान जरूर रखें, जब भी चले तो ये आउटपुट अच्छे से आपको देना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव का कहीं पता लगा उल्टा वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो अलग से वायर ऑल लगा दिए, देख सकते इस समय जो मोटर में जा रहे थे वहीं से मैंने एक वायर ले ली है, ये फ्रेंड्स बैटरी का वायर है, ठीक है, जिससे हमारी बैटरी अच्छे से चार्ज आए। इस पर तो मैं टेप लगाता हूँ, और बैटरी जो मैंने बनाई थी 18650 की, तो बैटरी बनाई थी वो फ्रेंड्स मैंने दोनों सीरीज में लगाई है, और 7.5 वोल्ट से या 8 वोल्ट से आराम से चार्ज होंगी, और यहाँ मैंने सीधा मोटर में दे दिया है इस तरह के कनेक्शन। तो फ्रेंड्स जब आपकी साइकिल चलेगी तो आपकी बैटरी अच्छे चार्ज जाएगी, और सारे फंक्शन आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हो, उससे एलईडी चला सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ से ले सकते हो, काफ़ी काम से ले सकते हो। लीजिए फ्रेंड्स कनेक्शन बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। अब मैं आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ कि हमारी आईसी काम कर रही है नहीं कर रही है। देखिए इस तरह फ्रेंड्स मैंने लगा लिया है डेटा केबल, और नीचे इसका यूएसबी पोर्ट है, जिससे इस पर बारिश ना पड़े पानी ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे लगाऊंगा और लगाते ही चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स
हमने जो आईसी लगाई थी 78.05 दो एम्पीयर का आउटपुट चार्ज बना है और आराम से आप अपने मोबाइल को अच्छी तरह से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, देखिए 89% चार्ज है और मैं आपको बिल्कुल लाइव देखा, कोई फेक नहीं बिल्कुल। और मैं निकाल के देखो, देखिए मोबाइल बंद हो जाएगा यानी कि चार्ज होनी बंद हो जाएगी और जैसे मैं लगाता हूँ फ्रेंड्स मोबाइल दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो आपका मोबाइल चार्ज बहुत अच्छे से काम करेगा दो एम्पीयर का। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात का ध्यान और रहे, जब आप अपनी साइकिल चलाओगे तो इसका ग्लास चला कर रखें यानी ग्लास लगा कर रखें, क्योंकि जब अपनी साइकिल चलाओगे तो भाई इस पर पानी भी पड़ सकता है, धूल मिट्टी पड़ सकती है या फ्रेंड्स पुतकेगा मोबाइल जब आप चलाओगे तो गड्ढों में मोबाइल पुतकेगा तो मोबाइल निकल सकता है, इससे सेफ रहेगा। अब यहाँ पर दोस्त आपको थोड़े से कवर में होल करते रहे जहाँ पर आपका मोबाइल का स्पीकर है जिससे आप अपने मोबाइल की आवाज़ सुन सको या कॉलिंग भी कर सको। ठीक है, अभी फिलहाल मोबाइल बाहर है, मैं इसे थोड़ा रोटेट करते रहूँ यहाँ पर मैं इसे रख दूँगा, अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। मैं थोड़ी देर के अपनी चोंच बंद कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स आपका मोबाइल सेफ है इस कवर के अंदर, देखिए मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, अगर साइकिल चलाओगे कितनी भी तेज चलाते हो आपका मोबाइल निकल के नहीं भागेगा, प्लस इसके अंदर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगी। और फ्रेंड्स आप ऐसे मोबाइल में गाने सुन सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, मैप का यूज़ कर सकते हो, स्पीड मीटर चला सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन आप इसमें ले सकते हो। चलिए फ्रेंड यहाँ तो कंप्लीट हो चुका, अब नाइट टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्त काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है और LED सिर्फ दो लगाई है मैंने। ठीक है, आप चाहो तो ज़्यादा लगा सकते हो, ठीक है आप अपने यूज़ के हिसाब से लगा सकते हो। और यहाँ पर थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, आपके यहाँ भी हुई होगी जहाँ पर, प्लीज़ मुझे बताइएगा तो आप बारिश को साफ देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मोबाइल आपको लगाना है और मोबाइल फिक्स करने बाद आपको उसका ग्लास कवर जरूर लगाना है, इससे फ्रेंड्स आपका मोबाइल सेफ रहेगा धूल मिट्टी से, बारिश से या निकल से, वरना मोबाइल जब साइकिल चलाओगे तो गिर सकता है। अब दोस्त देखिए मोबाइल लगा दिया, आपका मोबाइल स्पीड यहां पर बता रहा है कितनी स्पीड से आप चल रहे हो, कितना किलोमीटर चल चुके हो। तो फ्रेंड्स एक तरह का बाइक का काम करेगा, ठीक है, और आप इसे काफी सारे से यूज ले सकते हो और भी काफी चीजें हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां पर लगाया मोबाइल, यहाँ पर मेरा रिचार्ज भी हो रहा है, यहाँ पर आपकी हेडलाइट बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर मैं यहाँ पर बैटरी नहीं लगाता तो फ्रेंड्स वोल्टेज ड्रॉप यानी करंट ऊपर नीचे, वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहते हैं तो दिक्कत होती, तो यहाँ पर बैटरी इससे रिचार्ज उतरेगी, ये डायनामिक काम करेगा और आपका मोबाइल अच्छे चार्ज होगा, आपकी बैटरी अच्छे चार्ज होगी और आपकी हेडलाइट है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, आपको अलग से चार्ज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो फ्रेंड्स आई होप ये आइडिया काफ़ी आपको अच्छा लगा। दोस्तों प्लीज़ मुझे बताए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ नहीं था वो, मुझे लगा कुत्ता था। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। ऊपर दोस्तों आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो निकलता हूँ। प्लीज़ दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, मैं निकलता हूँ।